मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपके पास एमएस एक्सेल में डिफरेंट डिफरेंट डेटा हो, अलग अलग सीट हो, तो आप उन सीटों को अलग अलग फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपसे अगर कहा जाए किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सीटों को अलग अलग फाइल में कन्वर्ट करके आपको किसी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास भेजना हो, तो आप उसको कैसे करेंगे। अगर हम इसको मैन्युअली करने जाएंगे तो काफी समय लगने वाला है, तो हम अपने समय को कैसे बचाएं और साथ में अपने फील्ड में स्मार्ट कैसे बने, आज के वीडियो में हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहा। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और देख लेते हैं कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सीटों को अलग अलग फाइलों में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर फाइल को हम लोग दूसरे को भेज सकते हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपके पास एमएस एक्सेल में डिफरेंट डिफरेंट सीट है और आपसे कहा जाए उन डिफरेंट डिफरेंट सीटों को अलग अलग फाइल में कन्वर्ट करके उसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सेंड करना हो, तो वो कैसे पॉसिबल है। अगर हम लोग इसको मैनुअली करने जाएंगे तो इसमें काफ़ी समय लगने वाला है और इसमें काफ़ी दिक्कतें आने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चलो मैं जूम कर देता हूं इसको। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर जो है मेरे पास 5 महीने का डेटा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब इन सीटों को अगर मुझे कहा जाए अगस्त महीना का जो सीट है इसको फाइल में कन्वर्ट करना है इस डेटा को और आपको जो है इसको सेंड करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग जनरली जो करते हैं इसको पूरा को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, फिर दूसरा एक्सेल का एक नया वर्कशीट खोलकर वर्कबुक खोलकर उसमें हम लोग पेस्ट करते हैं, फिर उसका फाइल बना करके उसको भेजते हैं। तो ये अगर आपके पास मान लीजिए उस 5 महीने का है, ये अगर 12 महीने का होता है या उससे भी अधिक आपके पास डेटा होता है, डेटा सीट होता है, तो उसको करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैं ऐसा तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप चुटकी में इस काम को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वो कैसे पॉसिबल है वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने का कुछ डेटा है और इसको हम लोगों को सेपरेट सेपरेट फाइलों में कन्वर्ट करना है। बोल सकते हैं मल्टीपल सीट है और मल्टीपल सीटों को मल्टीपल फाइलों में कन्वर्ट करना है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को हम लोगों को इसको सेंड करना है। तो फाइल कैसे बनाएंगे यह हम लोगों को जानना है। तो इसके लिए हम लोग एक कोडिंग का यूज करेंगे, VBA कोड का, जिसके मदद से हम आसानी से फाइल सीटों को डिफरेंट मल्टीपल सीटों को हम लोग फाइल में डिफरेंट डिफरेंट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे अल्ट और F11 के बटन को प्रेस करेंगे तो आप आ जाइएगा विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, और यहां पर आने के बाद आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहां से मॉड्यूल को ओपन कर लेना है, या इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है इसमें आप डेवलपर टैब में जाइए और डेवलपर टैब में जाने के बाद आपको मिलेंगे कॉर्नर में विजुअल बेसिक, यहां भी क्लिक करके आप आ सकते हैं। दोनों मेथड है, आपको जो पसंद आए आप उसका यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों को जो करना है यहां पर आपको सिंपल सा इंसर्ट टैब में जाना है और यहां से आपको मॉड्यूल जो है इसको आपको क्लिक कर देना है। बस यहां तक क्लिक करने के बाद आपको एक कोडिंग सिंपल सा यहां पर टाइप करना है। तो कोडिंग मैंने पहले से एक नोटपैड फाइल में मैंने सेव करके रख दिया है, इसको जस्ट मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट आपको इस तरह से कर लेना है, कंट्रोल सी दबाकर इसको कॉपी कर लेना है और फिर आपको इसमें आकर मॉड्यूल में आकर इसको पेस्ट कर देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। तो यहां तक हो जाने के बाद आपको इसको सेव करना होता है। तो सेव हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे सेव में। तो सेव में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन देगा यस नो, आपको यहां पर सिंपल सा नो में क्लिक करना है और यहां से आपको एक्सेल वर्कबुक जो लिखा हुआ है यहां से आपको एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक में क्लिक करना है और यहां पर हम लोग इसका नाम दे देंगे मंथ वाइज कलेक्शन 1, ये नाम दे देंगे। देन यहां से हम लोग इसको कर देते हैं सेव, यहां तक हो जाएगा। देन इसको ओके कर देंगे। अब यहां पर जो है हम लोग एक्सेल सीट में
वापस चले आए। यहाँ हम लोगों का VBA का काम हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर एक बटन बनाना चाहते हैं ताकि हमको जब भी जरूरत पड़े उस बटन में क्लिक करें और हम लोगों का सेपरेट सेपरेट फाइल जो है बन जाए। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से शेप्स ऑप्शन में आकर हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेंगे। बस इतना ही करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट में आकर इसमें हम लोग नाम लिख देंगे। चलिए नाम हम लोग लिख देते हैं कन्वर्ट सीट मल्टीपल सीट इनटू सेपरेट फाइल। बस आपको इतना ही टाइप करना है और इसको आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करने के लिए होम में जाइए और यहाँ से हम लोग इसका फॉन्ट कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन और यहाँ से इसका साइज कर देते हैं 20। बस इतना। अगर आपके पास यहाँ ज़्यादा जगह ले लेता है तो आप इसको इस तरह से मूव कर दीजिए और इसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए। या आगे अब यहाँ तक हो जाने के बाद आपको इसमें क्या करना है, इसमें मैक्रो एनेबल करना है। तो राइट क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ से चले जाएंगे हम लोग असाइन मैक्रो में। यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ से स्प्लिट वर्कबुक बाय वर्कशीट इस ऑप्शन को ले लेना है, देन इसको ओके करना है। ओके करने के बाद जो है हम लोग को यहाँ पर ये तैयार हो गया है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे बाहर में और यहाँ पर देखिए एक हैंड का सिंबल यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है हम लोग अपना इस वाले सेक्शन को ओपन कर लेते हैं तो इससे आपको पता चलेगा इसमें डिफरेंट क्या आ रहा है। देखिए इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग छोटा कर देते हैं। देखिए इसको भी हम लोग छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मर्ज कर दिए, यहाँ से छोटा कर दिए और इसको भी जो है हम लोग इस साइड में रख देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंट नजर आएंगे, मतलब इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये बनने के लिए तैयार हो गया और जैसे बन रहा है देखिए यहाँ पर जो है मंथ वाइज देखिए आपका फाइल बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर देखिए वर्कबुक हैज बीन स्प्लिट इनटू मल्टीपल फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर भी लिख दिया है, मतलब पांचों महीना का जो आपका सीट अलग अलग था उसको पांचों महीना का सीट को ये फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अपने सीट को जो है मल्टीपल सीटों को सेपरेट सेपरेट फाइलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप किसी का भी अगर देखना चाहते हैं, चलिए मैं एक्सेल फाइल को ओपन क्लोज कर देता हूं यहां से। चलिए मैं यहां से क्लोज कर दिया और यहां से इसको भी मैं बंद कर दिया और यहां से मैं किसी को भी ओपन करना चाहता हूं, जैसे मैं अगस्त महीने का ओपन करना चाहता हूं तो अगस्त में आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए सिर्फ आपको अगस्त महीने का जो डेटा है वही दिखाएंगे, बाकी और कुछ भी आपको दिखने नहीं मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पर सीट वन सीट टू दिख रहा है, सिर्फ अगस्त का ही आपको दिखेगा डेटा। तो इसको आप फाइल में इस फाइल को आप किसी को भी आराम से सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।